हर फिल्म हमारी करीब होती है, बिकॉज हर फिल्म हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पसंद होती है, तो हर फिल्म हमारे दिल के करीब ही होती है। और सर इसमें इसके रोल के बारे में बताएं। रोल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये प्रोड्यूसर जी यहाँ आ गए हैं, उन्होंने ये कर लिया। सॉरी, आई जस्ट वांट टू से आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद सनी, ही इज माय मोस्ट फेवरेट। सर फिल्म में ऐसा क्या एक्सपेक्टेड है जिसकी वजह से आपने फिल्म को चुना? नहीं, इसके कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इस पिक्चर के बारे में ज़्यादा बात करना बड़ा इस ये वक्त सही नहीं है, बट इसलिए हम बात करें क्योंकि आप सब आ गए हो, तो डेफिनेटली ये हमारी फिल्म है एंड बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। प्रीति का बहुत अच्छा कैरेक्टर है एंड वी ऑल इन्जॉइंग द होल फिल्म एंड होप दैट यू ऑल विल ऑल्सो लव द फिल्म जिस तरह से हम इन्जॉय कर रहे हैं। That the producer will tell you, because मैं कुछ बोलूँगा फिर मैं झूठा हो जाऊँगा बाद में। सर 2016 बहुत ही लकी साबित हुआ है आपके साथ, बैक टू बैक मूवीज हैं, मूवीज भी कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे 2016 लकी है आपके लिए? देखिए लकी लक अनलक तो वो चलता ही रहता है, उसके बारे में मैं इतना सोचता नहीं हूँ। हाँ अभी कर रहा हूँ, ढेर सारी फिल्में कर रहे हैं और उम्मीद है और अच्छी अच्छी फिल्में करेंगे। और इस फिल्म में तो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। वो हो जाएगा, जब होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल अभी भैया जी सुपरहिट के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, तो दैट्स व्हाट इट इज। ओके, काफी सालों बाद आप फिर से सनी देओल के साथ में फिल्म कर रहे हैं, तो क्या पुरानी यादें, वो सेट की यादें ताज़ा हुई या हाउ इज द फीलिंग? इतनी भी पुरानी यादें नहीं थी, बट यस देयर वाज अ ब्रेक, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी बैक ऑन दी सेट्स एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड द देओल फैमिली, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इनसे मैं थोड़ा डरती थी पहले, बट यस ये बहुत, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस फिल्म क्योंकि बहुत मज़ेदार फिल्म है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग अ फिल्म जहाँ की शॉट करते करते भी बहुत मज़ा आया है। एंड यस इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद सनी बिकॉज ही मेक्स लाइफ ईजी, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट एन एक्टर, ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर, तो ये हमेशा एक्टर के बारे में बहुत सोचते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस एंड कम्फर्टिंग। और मैंने जब पहली फिल्म की थी फर्ज, तब भी इन्होंने मेरा बहुत टेक केयर किया था, तो अब भी जब मुझे मक्खन खाना होता है मैं सेट पे इनकी केयर करूं। यमला पगला दीवाना अभी देखिए, अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, भैया जी सुपरहिट की बात कर रहे थे और ये हो गई है एंड थैंक यू वेरी मच एंड होप टू स्पीक टू यू ऑल सून द मिनट द फॉल वी रैप अप विद द शूटिंग, सो थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर कमिंग, आई नो कांदिवली सो फार अवे, बोरीविली बोरीविली, हाँ जो भी है कोई तो विली है, और बारिश भी हो रही है, सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड वी रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू कमिंग हियर एंड प्लीज़ ये पिक्चर थिएटर में जाके देखना, टिकट खरीदना और अच्छा रिव्यू देना। ओके, आज हम आए थे यहाँ पे ऑन लोकेशन के लिए, आज का सीन तो एग्जैक्टली नहीं पूछूंगी लेकिन क्या है ऑल कुछ कहना बड़ा मुश्किल है इस वक्त, काश मैं और बता सकता, लेकिन मैं चाहूँगा कि अभी मैं ज़्यादा बात करूँगा ना, एक तो एज एन एक्टर अपने बारे में बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। I can praise you if you want. No, 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 that's all. कि आप अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ तो बताएं। कैरेक्टर के ये मूछियाँ हैं और भैया जी है, टिक्का लगा हुआ है और यूपी बिहार की पिक्चर है। मी तो मैं कैरेक्टर लेस हूँ इस पिक्चर में, माई कैरेक्टर आई थिंक आई एम जस्ट बींग लिटिल सेल्फिश क्योंकि यू आर राइट, मैं थोड़े टाइम के बाद फिल्म कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट द प्रॉपर प्रोमो टू कम अप एंड फिर आप बताना आपको कैसे लगा, पर इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स लॉट ऑफ फन, आई हैड अ लॉट ऑफ फन, बेटर प्रेज दिस फिल्म ऑफ पीपल, मैं आप सबकी शक्लें याद रखूंगी, हाँ माई पिक्टोग्राफिक मेमोरी। लोकेशन मिलना चाहिए हम लोगों को।